दर्शक बंधु, रास्तारे ट्राफिक जाम हवा आपण शुणिथिबे, हेले समुद्ररे ट्राफिक जाम हवा संभवतः विश्व प्रथम थर देखुचे। एते बड़ विशाल समुद्ररे ट्राफिक जाम हवा एवं लगातार भावरे प्राय 10-12 दिन कोनोसी गोटे जहाज समुद्ररु आगकु गड़ी न पारिबा संभवतः एक बड़ विपद को निमंत्रण करुचे। ए घटना पथरे जेतिकी रहिचि कूटनीति सेतिकी रहिचि षडयंत्र। एबे आसिबा प्रमुख प्रसंग को। प्रसंग या प्राय 20-25 टी जहाज तुर्की समुद्र रे अटकी रहिचि। तुर्की समुद्र माने सी ऑफ मर्मरा बोली जहाँ को कहुचंती। यहाँ पछरे जो कहानी रहिचि, एही कहानी समग्र भावरे रूस, यूरोपियन संघ एवं G7 देश मानंकु नै रहिचि। कौन रहिचि? G7 एवं यूरोपियन देश माने एक प्राइस कैप निर्धारित करिचि। प्राइस कैप कौन ना रशिया को कहा जाइछि कि रशिया विश्वर जेकोनसी देश को तेल बिकिबा कथा बिकु, किंतु $60 प्रति बैरल रु ऊपर को बिकि पारिबो नाही। प्रथम जानिबा प्राइस कैप कौन। धर आपण व्यापार करचंती एवं जहाँ भी व्यापार करचंती तार मूल्य रखिचंती 100 टंका। सेई एका व्यापार आउ जणे करूची 110 टंका रखिचि, किए 120 टंका रखिचि। किंतु हठात जेतेबेले सरकार चिंता कले, नाही 120 टंका 100 टंका एभली किछि होबो नाही, सीधा सड़ख 90 टंकर ऊपर को आपण मैंने बिक्री करेंगे ना, यह कहुए प्राइस कैप। रशिया युक्रेन युद्ध में रशियार अर्थनीति को दुर्बल करने यूरोपियन संघ सबुठारु प्रमुख भाव में जहाँ तेल किणुला से रशिया को एक प्राइस कैप्र रणनीति में बांधिदेले। तापर घटना घटला जेतेबले जहाज गुड़िक तेल नहीं यूरोपियन संघ को यूरोपियन देश गुड़ी आसवाक आरंभ कर समस्ते तुर्की पाखरे अटकी गले। एबे प्रश्न उठुची तुर्की मानक अटकेला काहीकि। प्रश्न हला जे तेल आसुची केमिति। प्रथमे जाणिबा रूस रु तेल बाहरला परे ब्लाक्सी को कला सागर को पार हवा परे परे आउ जो दुईटी स्थान को जोड़े एहा तुर्की को आसी सी अफ मर्मरा तापरे एजियन सी तापरे मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को जहाज जदि न आसी पार ताल यूरोपियन संघ पर्यंत बा यूरोपियन देश मानक पाखक जहाज पहुँची पार ना, तो प्रत्येक जहाज ब्लाक्सी क्रॉस कले एवं सी अफ मर्मरा आउ एजियन सी मध्य इस्तानबुल पाखरे जो जोगसूत्र स्थापन होती आपण सहर कौन सी गली भली नुह बहुत बड़ जगह यह दुईट समुद्र जोड़ी जहाँ को नार्डल स्ट्रेट बोली कहुए। यही रास्तारे ही आसी एजियन सी रु मेडिटेरियन सी को पहुँचवे यही तेल आणुवा जहाज मान किंतु एमाने अटकी रही कौटी ना सी अफ मर्मरारे जहाँ तुर्की पाखरे। तुर्की कहवा कथा हला जे मु कोनोसी जहाज को सेतेबळ पर्यंत छाड़बे ना जेतेबळ पर्यंत मु इन्सुरेन्स कागज देखिबे ना। प्रसंग आसला इन्सुरेन्स रो। इन्सुरेन्स कागज मागिया पछरे जो कारणटी अच्छी ना जदि कोनोसी प्रकार रे एठारे कोनोसी दुर्घटना घटे ताहले तुर्की एहा को समाधान करिवा पई बा रिपेयर करिवा पई जो टंका खर्च करिवो से टंका दबो किए। एठी प्रसंग एक अड़ंगा होई ठिया होगा समस्त पाखरे। अच्छा एबे प्रश्न उठुची समुद्र रे दुर्घटना केमिति हबो जहाज माने हेई पारे। आपण रास्तारे जाउचंती जेमिति गाड़ी दुर्घटना होउची सेंती समुद्र रे दुईटी जहाज दुर्घटना घटी पारे। झड़ तोफान होई कोनोसी जहाज बुड़ी जाई पारे किंतु एहा द्वारा जो असुविधाटी हबो सेई असुविधाटी हला जे ए सबुजाक जहाज कंचा तेल नै आसुचंती अर्थात कंचा तेल डीजल एवं पेट्रोल ठारु संपूर्ण भिन्न। एहार जो रंग बहुत कला एवं जेमिति रास्तारे पिचु पका जाए जहाँ को डामुर बोली कहा जाए एभली मोटा तेल नहीं माने आसंती परे प्यूरीफिकेशन ही पेट्रोल डीजल हुए सी अलग कथा जहाँ को आम कहवा अशोधित तैल। यह जितेबाला जदि समुद्र में पड़गला ताल ए संपूर्ण परेश तो जहाँ नष्ट किंतु यह पाणी अलग करने बिलियन अफ टंका खर्च करने को पड़ो एवं जदि एभली कौन सी घटना घटे ताहले तुर्की को बिलियन अफ टंका खर्च करने को पड़वार संभावना थी तुर्की कहुची जे इन्सुरेन्स कागज न देखले कौन सी जहाज आग को बढ़ी पार ना। अच्छा इन्सुरेन्स दब किए? इन्सुरेन्स एम को दे था यूरोपियन कंपानी मैंने अर्थात यूरोपियन संघ में जो बड़ बड़ कंपानी गुड़िक रही यूरोपियन देश में जो कंपानी गुड़िक रही इन्सुरेन्स दे था। तापर प्रश्न उठला जदि इन्सुरेन्स एमने पारे तो इन्सुरेन्स दौना कहीं अड़ंगा है प्राइस कैप्र कारण
$60 प्रति बेरेल रो जो यूरोपियन संघ एवं G7 रशिया तेल उपर लगे तुर्की कहुची कि मत जानवा दरकार जेतक जहाज आसुची ए समस्ते $60 रु कम टंका दे तेल आणुचंती मु इन्सुरेन्स पेपर देखी यूरोपियन संघर कंपनी माने कहउचंती आमे इन्सुरेन्स दे पारिबु नाही एवं जेतेबेले रुषिया पर्यंत कथा जाउची रुषिया कहउची मु ई सबु कोनोसी नियम को माने नाही जार जेते मोर जो टंका फाइनल हेची तेल किणबा पई जे देश मोठ टंका दला से मोठ तेल किणबो ए तीनटी कथारे 25 जहाज 10 दिन हला समुद्र रे ना तो तुर्की रो पार ही पारुचंती ना निर्धारित गंतव्य स्थल रे पहुंची पारुचंती एबे आपण माने बुझि पारथुबे अडंगा कुठि रहला ए तो गला कूटनीति कथा आसवा षडयंत्र पाकु G7 एवं यूरोपियन देश मैंने रूस रेल उपर प्राइस कैप को लगे किंतु प्रश्न उठू जे यही तेल आसूरी काजाकिस्तान रु अर्थात काजाकिस्तान रेल जहाँ कोई प्रतबंधक लगे ना जार कौन प्राइस कैप ना से तेल को तुर्की अटक इन्सुरेन्स पेपर देखापी एवं आप बुझिपे कौन ये घटना घटना या कि काजाकिस्तान रो जो तेल उत्पादन हुए यह यूरोपियन संघ आमदानी करुवा तृतीय देश बा तृतीय नंबर देश प्रथम है रूस सबुठारु अधिका यूरोपियन संघ को तेल जोगे थाए द्वितीय नरवे जोगे थाए एवं तृतीय काजाकिस्तान रो माने तेल आमदानी कर अच्छा काजाकिस्तान पाखरे जो समुद्रटी रही जहाँ को आम कैस्पियन सी बोली कही था किंतु सबुठ विडम्बना है बहु लोग जानिबा दरकार जे कास्पियन सी बोली कोनोसी जिनस नाही ताकु कास्पियन झील बोली कह जाए अर्थात ये समुद्र नो ये गोटे झील आपण माने जानिथिबे विश्वर जेतक समुद्र अछन्ते समस्ते परस्पर सहित युक्त अर्थात सबु समुद्र समतंक सह मिसिकी रहिचंती तेणु एक समतुलरे रहिथिबारु पृथ्वीर जेकोनोसी उच्चता को मापिले समुद्र पतन ठारु उच्चता एतिकि बोली कह जाए आशा करुछि आपण बुझि जाइथिबे अच्छा कास्पियन जो झील रहिला एहा द्वारा जदि काजाकिस्तान तेल पठाई थांता ताहले का पाखरे पहुंच थांता ईरान पाखरे पहुंच थांता बा एई भली तुर्मिकिस्तान पाखरे पहुंच थांता एमाने समते तो तेल उत्पादक गैस उत्पादक एमाने काजाकिस्तान ठारु काहे कि नबे तेणु काजाकिस्तान रु एक पाइपलाइन जरिया रे रूस रे एक बंदर पाखरे तेल पहुंची थाए ताकु कह जाए पोर्ट ऑफ नर्वोसी एही पोर्ट रु कला समुद्र दे सीधा पहुंचे सी अफ मर्मरा को तापर नार्दर्ल स्ट्रेट को तापर आसला एजियन सी को तापर आसीबो मेडिटेरियन सी को एबे आपण पूरा गणित बुझी पारतबे तो एई जो पोर्ट रे आसी तेल पहुंचिला परे जेहेतु काजाकिस्तान रु तेल आसी रशियन पोर्ट रे पहुंचुची एवं एहा परे रशिया थारु कला समुद्र दे जो तेल गुड़ी को बाहर चंती संभवतः एबे प्रश्न उठुची एई तेल कहार रशिया रो ना काजाकिस्तान रो पुनश्च तुर्की कहुची कि प्राइस कैप को अनुजाई मो जदि इन्सुरेन्स पेपर देखिबी ताहले जो पोर्ट रु तेल आसुची एही तेल आणुथुबा टैंकर गुड़िकर इन्सुरेन्स पेपर रे मते एहा जानिबा दरकार जे एमाने समस्त जेतिके तेल नौचंती ताहा $60 प्रति बेरेल रु कम जणे इन्सुरेन्स पेपर देवा को मना करुची जणे इन्सुरेन्स पेपर न देखिले छाड़बनी कहुची आउ जणे कहुची मु कोनोसी प्रकार रो नियम कानून को मानिबी नाही एवं चतुर्थ व्यक्ति जनक तेल पठे दे चुपचाप बसी जाइछि एभली क्षेत्र रे 25 जहाज एबे तुर्की छाड़ी पारु नहंती आ संभवतः भारत कथा जदि कहिबा भारतर गुटिए जहाज आ भितरे फसी जाइछि एवं पाखापाखी 19 जहाज वर्तमान यूरोपियन देश मानको जीवा अवस्था रे जो माने रखिथिले से माने फसिकी रहिचंती तबे आगो कोन होउछि ए कथा तो देखिबा कथा किंतु जदि आमे ए भितर षडयंत्र कहिबा ताहले रूस एवं तर्कीर जदि संपर्क रही रूस ही चाहूब यही जहाज गुड़िक आग को न जाऊ नचे यूरोपियन संघ तुर्की उपर प्रभाव विस्तार करी कहिथिबे आउ किछि दिन जहाज को अटकई दिया जाऊ इन्सुरेन्स पेपर बाहन संभवतः ए दुईटी घटना एथिपई आम जोड़ी देखिपर जे कौनसी विकल्प एपर्यंत चिंता करा जाए ना जदि मूल स्रोत को जीवा काजाकिस्तान जदि अन्य कौनसी विकल्प रास्तार तेल पहुंचे पारिब कि उत्तर अच्छी हाँ कारण बाकुदे तिब्लिस दे यह भाया रास्तार भूमध्य सगर में पहुंचाई पारिबो बा अजरबैजान दे तेल पहुंचा जाई पारिबो किंतु एथिरे काजाकिस्तान रो कोनोसी पाइपलाइन एपर्यंत तयारी होई नाही तेणु संभवतः एबे एही गुटिया रास्ता जेउथिरे एही देश माने तेल पाई पारिबे तेणु एभली भावरे ट्राफिक जाम रे फसी रहिचंती अनेक जहाज आगो को चली एही रणनीति कूटनीति एवं षडयंत्र रो मार्ग कोन खोलुची जहाज माने जीवा पई
ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।